हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इक्विटी राइट ऑफ के बारे में। इक्विटी राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि एक बैंक के साथ में हुआ है इक्विटी राइट ऑफ, यानी कि उस बैंक के बारे में बहुत सारा न्यूज पहले से चल रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और कंटिन्यूसली बाइंग करते चले गए। और कुछ लोगों ने इक्विटी राइट ऑफ का भी उससे पहले, एक्चुअली इक्विटी राइट ऑफ होने से पहले NSE इंडिया या सेबी उससे पहले उस कंपनी के ऊपर नजर रखता है। एक्चुअली नजर तो वो सभी कंपनियों के ऊपर रखता है, लेकिन कंपनी में कुछ भी गड़बड़ी हो रही होती है तो वो उसको मॉनिटर पहले से कर रहा होता है और उसकी ट्रेडिंग रोक देता है। इक्विटी राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि वहां पे उसको ट्रेडिंग रोकना नहीं होता है। एक्चुअली इक्विटी इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब ये होता है कि जहां पे आप लोग जो स्टॉक खरीद रहे हैं, यानी कि आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है वो इक्विटी में होती है। यानी कि सपोज आपके पास 10-20 क्वांटिटी है तो 20 इक्विटी में ही होगी। इक्विटी मतलब होता है हिस्सा। इक्विटी राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि उसकी जो है वहां से उस चीज को मिटा देना। हिंदी में अगर शब्द बोले तो मिटा देना, ठीक है? यानी कि अगर आप NSE इंडिया की वेबसाइट में लक्ष्मी विलास बैंक, यानी कि अभी इक्विटी राइट ऑफ हुआ है, वहां पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको वहां पे उसकी इक्विटी जीरो होगी। अब चलिए इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कंपनी जब अपने आप को दिवालिया घोषित करती है तो दिवालिया घोषित करने के लिए वो अपने आप को अर्जी देती है, ठीक है? लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे ये कंपनी यानी लक्ष्मी विलास बैंक कंटिन्यूअसली अर्जी देने के बाद भी वो सेबी की तरफ से गाइडलाइंस नहीं दी गई और वो उसमें ट्रेडिंग चलती रही। और हुआ क्या कि बहुत सारे लोग अपना माल नहीं बेच पाए। तो अब जिन लोगों ने भी, जिनके पास हजारों रुपए या लाखों रुपए या करोड़ों रुपए की भी जिनके पास इक्विटी वैल्यू होगी, यानी कि आपने जैसे किसी भी कंपनी के जो भी स्टॉक खरीद रखे हैं और वो स्टॉक की वैल्यू आपके लिए अब जीरो है, यानी कि आपके पास भले ही 1 करोड़ क्वांटिटी क्यों ना हो लेकिन वो वैल्यू अब जीरो है। यानी इक्विटी राइट ऑफ का मतलब ये होता है उस वैल्यू को मतलब जीरो कर देना, यानी कि अब NSEBI सेबी ने उस वैल्यू को जीरो कर दिया। यानी कि अब वो कंपनी जो है जिसने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है वो वहां पे उसका पैसा उसके एसेट बेच करके उसको नीलाम करके निकाला जाएगा, लेकिन वो पैसा अब शेयर्स होल्डर को नहीं मिलेगा। तो इक्विटी राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंपनी को जो है जीरो कर देना, यानी उसकी इक्विटी अब आपके पास में नहीं रह सकती, यानी आपके पास होगी भी तब भी उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा छोटा सा, यानी आप उसका ना तो प्रॉफिट हो सकता ले सकते हैं ना फिर आप उसका लॉस बुक कर सकते हैं। या प्रॉफिट और लॉस बुक करने के लिए वो आपको उसको सेल करेगा, ठीक है? जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा एंड द कंपनी मस्ट गेट ऑटोमेटली डीलिस्टेड, और ये कंपनी ऑटोमेटली डीलिस्ट कर दी जाती है, यानी कि स्टॉक मार्केट से हटा दी जाती है। द पॉइंट इज अ शेयर होल्डर गेन when the company makes profit repaying higher returns and the holders of debt who get a fixed return, ठीक है? तो आपको hopefully ये समझ में आ गया होगा इसका मतलब। और आइंदा से जब भी आप पेनी स्टॉक्स में निवेश करें तो वहां पर उसके बारे में अच्छी जान पड़ताल कर लें, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में ही अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों